वाह भाई गाइस देख रहे हो भाई इसकी बाइक में भाई पूरी डूब गया नीचे और भाई ओ सो हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम टू मनी व्लॉग आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो गाइस आज से पहले भाई दो दिन पहले हम दो बंदे राइड कर रहे थे और अभी हम भाई चार बंदे राइड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भाई N250 एंड R15 लगी हुई है एंड मेरी एनएस वहाँ पे वो अंशु लेके गए हैं एंड भाई सचिन अभी अपनी बाइक लेके आ रहे हैं और भाई बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है भाई। अभी हम जो है इवनिंग राइड कर रहे हैं एंड अभी हम पता नहीं भाई कहाँ जाएंगे, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, यहीं आसपास जाएंगे। और भाई बरसात का मौसम है तो भाई कब जैसे बारिश लग जाए ये भी नहीं पता होता एंड भाई मॉर्निंग और दिन के टाइम भाई बहुत ज़्यादा बारिश होती है एंड अभी भाई मौसम पूरा क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई मौसम पूरा क्लियर है एंड नीचे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये नीचे आप देख रहे हो भाई खड्डे और भाई पूरा पानी पानी एंड सामने आप देख रहे हो भाई ये वाला पुल कितनी ऊंचाई के ऊपर है एंड भाई अभी हम भाई इस वाले पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। अभी हम भाई जो है सचिन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम भाई जल्दी से निकलेंगे एंड सो गाइस यहाँ पे भाई सचिन भी आ चुका है एंड भाई जल्दी से जो है अपनी राइड स्टार्ट करते हैं भाई। अभी हम डायरेक्ट मिलते हैं आपको सीधा बाइक के ऊपर। सो गाइस अभी भाई हम निकल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो चल आगे चल। यहाँ पे भाई आगे R15 पीछे RS एंड N50 एंड भाई NS 200 और भाई जल्दी से यहाँ से भी निकलते हैं भाई। ऊपर से आप देख रहे हो भाई बहुत ही ज़्यादा पत्थर गिरते हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ऑलरेडी पहले भी गिरे हुए हैं यहाँ पे एंड बारिश के टाइम बरसात के टाइम तो भाई वैसे भी लैंडस्लाइड होती रहती है। और भाई चार चार बाइकें आसो भाई ठीक मज़ा आने वाला है। चलो भाई N250 साउंड भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यार। और ये सारे भैया अकेले अकेले बैठे हुए हैं और भाई मेरे साथ पिलियन है पीछे तो इसलिए मेरे को थोड़ा देख के और संभल के चलानी पड़ेगी। और भाई क्या ही फ्रेम आ रहा है भाई यार, देख रहे हो 1 2 3 4 वाव। और भाई अब हम जा रहे हैं भाई धर्मपुर वाली साइड। ओ वाओ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ऊपर देख रहे हो भाई बंदे कैसे, ऊपर भी देख रहे हो आप बंदे कैसे देख रहे हैं यार। वाओ लोगों का रिएक्शन चेक करो यार, पहले तो बड़े से बड़े छोटे से छोटे भाई। और भाई चारों एक साथ अगर हॉर्न मारने लग जाए ना तब तो भाई सीन हो जाएगा यार। यहाँ पे खड़े हुए थे यार, अभी यहाँ पे रील भी यार बनाई हम लोगों ने और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं भाई नीचे वाली साइड। और भाई अंशुल लीड कर रहा है और भाई मैं बैक एंड पे चला हूँ, सचिन और विशाल भाई बीच में चले हुए हैं और भाई बीच बीच में टच मिलेगा भाई तब देखना यार क्या ही आवाज़ आएगी भाई बाइक की। और भाई देख रहे हो गाड़ी वाले भी भाई खुद ब खुद भाई कितनी साइड दे रहे हैं यार। सचिन ने भाई पूरा हाथ वाथ छोड़ दिए हैं और वीडियो में घर में कोई देखेगा तो घर में बोलेंगे भाई देख रहे हो कैसे बाइक चला, पूरे हाथ हाथ पे छोड़ दिए इसने। लहराते हुए जा रहे हैं भाई, लहराते हुए जा रहे हैं। हम यहाँ से टर्न ले रहे हैं और अभी हम मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट है, यहाँ से चलेंगे। यहाँ से थोड़ा कंजेस्टेड जैसा है पर ठीक है, बाइक के लिए अच्छा है भाई। परे वाली साइड जो है रोड का काम लगा हुआ है, परली साइड से तो गाड़ियाँ जाती हैं और ये तो यहाँ से गाड़ी के लिए रोड बना हुआ है एंड आगे जैसे भाई गाड़ी नहीं जा सकती, खाली यहीं तक की गाड़ी जाएगी और आगे तो भाई बाइक ही जा सकती है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना कंजेस्टेड है और हम रास्ते रास्ते से लेके जा रहे हैं, रास्ता सही है भाई रोड से तो, और वो थोड़ा लंबा भी है और ये थोड़ा शॉर्टकट भी है अभी। और भाई नीचे खड वाली साइड चलेंगे, आगे तो नीचे भी भाई नीचे वाली साइड भी रोड अच्छा नहीं बना हुआ है और नीचे से भी भाई गाड़ियाँ यहीं तक ही आती हैं। अभी हम मेन रोड के पास जो है पहुँच गए हैं भाई, देख रहे हो भाई ये जो डिस्कवर वाला है ये भी यहीं से ही जा रहा है। सो गाइस हम भाई नीचे वाली साइड जा रहे हैं और यहाँ से भाई व्यू जो है भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देख रहे हो भाई सामने कितना खुला खुला एरिया है और कितने बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ भाई किस तरह दिखाई दे रहे हैं। और भाई सामने यहाँ पे हेलीपैड है, एक दिन हम हेलीपैड के ऊपर भी जाएंगे अगर रोड सही हुआ तो।
ये देख रहे हो भाई नीचे, भाई इतनी बारिश होगी भाई, खड्ड में इतना पानी नहीं है यार, बट चलते हैं भाई नीचे। सो गाइस अभी हम भाई पहुंच गए हैं भाई पुल के ऊपर। आज देख रहे हो भाई क्या नज़ारा है यार, यहाँ पे कितना खुला एरिया है और भाई देख रहे हो बड़े वाली साइड भी बंदे आई थिंक नहा रहे हैं। देखते हैं भाई नीचे जाते हैं यानी, क्योंकि भाई नीचे जाएंगे तभी तो मज़ा आएगा ना यार, यहाँ पे ऊपर कैसे इतना मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे चलते हैं बाढ़ वाली साइड से नीचे, और भाई पानी कम कम है, ज़्यादा नहीं है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई नीचे वाली साइड, और भाई यहाँ पे पहले ये चेक कर रहे हैं भाई कितना गहरा है कितना नहीं, भाई ज़्यादा नहीं है। ओ भाई इसकी आधी आधी टांगी डूब गई यार, ओ बहुत ज़्यादा गहरा है। और भाई यहाँ से हम भाई वापस जा रहे हैं पीछे, यहाँ से कैंसिल भाई, हम पीछे से जाएंगे। सो गाइस पहले विशाल जा रहा है भाई, सो गाइस पहले ये जा रहा है भाई, देखते हैं भाई पहली भाई वाटर क्रॉसिंग है यार। और भाई बहुत ज्यादा पानी है यार, देख रहे हो भाई बाइक की आ जाता टायर। ओ ओ भाई ओ ओ ओ भाई बाइक देख रहे हो, भाई पूरा चेन सेट गिला हो गया यार इसका। सो गाइस यहाँ पे भाई सचिन अपनी बाइक निकालता है, और भाई देखते हैं आरएस बाइक कितनी ज्यादा नीचे लगती है। ओ भाई सो गाइस देख रहे हो भाई इसकी बाइक भी भाई पूरी डूब गई नीचे, और भाई ओ देख रहे हो भाई आरएस, ओ भाई इसकी चप्पली छूट गई पानी में यार, ओ भाई इसके चेन सेट देख रहे हो भाई, और इसकी चप्पली रह गई पानी में। और भाई ऊपर साइड भाई लोग बहुत ज्यादा देख रहे हो भाई पूरी आरएस भाई डूब गई। सो गाइस विशाल अब भाई अंशुल की बाइक लेके आ रहा है, इसका भी देखते हैं भाई कितनी जाती है नीचे कितनी नहीं। ओ भाई ये भी यार, ओ भाई इसका पूरा साइलेंसर भी गया नीचे, ओ भाई इंजन तक पानी यार, इसका अंडर बेली भी पूरा पानी में डूब गया नीचे। ओ देख रहे हो, ओ भाई ये भी आराम से इसलिए निकलोगे भाई, इन तीनों ने चप्पल पहनी हुई है। और भाई अब मेरी बाइक की बारी है, इसने अपने शूज़ खोल लिए। ओ भाई ओ भाई इसका भी अंडर बेली पूरा नीचे डूब गया, ओ भाई इसका चेन साइड देख रहे हो, ओ यार ओ भाई इसका गियर लिबरी भाई पूरा डूब गया यार नीचे। ओ भाई टायर की वॉशिंग हो गई है, और भाई चेन मैंने आज ही लिव की थी वो भी पानी से पूरी भीग गई है। और भाई यहाँ पे हमने चारों ने और भाई हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बाइक भाई यहाँ से निकाल दी है, अब हम आगे जैसे खड़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो भाई पूरी ये बाइक भी भाई कितनी आधी डूब चुकी है, ये वाली भी और मेरे वाली भी, और भाई देख रहे हो भाई पूरी बाइक भाई पानी के अंदर डूब गई है आधी की आधी, यहाँ पे यहाँ तक डूब गया भाई, यहाँ तक दिख रहे हो यहाँ पे मेरे। सो गाइस अभी हम भाई बीच कट में पहुँच चुके हैं, एंड सामने आप देख रहे हो भाई यहाँ पे ये पुल वगैरह है ऊपर, एंड इस साइड आरएस खड़ी हुई है, इस साइड एनएस, पीछे R15 एंड N250। और भाई सभी ने भाई चप्पल पहनी हुई है यार, और मैंने भाई शूज पहने, और यहाँ से भाई व्यू चेक करो यार, ऊपर वाली साइड जो है मेन रोड है, एंड यहाँ से व्यू चेक करो भाई कितना खुला व्यू है, और भाई कितनी ज़्यादा रोशनी है। एंड भाई यहाँ पे देख रहे हो घास फूस लगी है, अभी हम यहाँ से भाई आगे जाएंगे, और आगे भाई खड्ड में भाई इतना ज़्यादा पानी है नहीं, देखते हैं भाई। सो गाइस अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई पानी बहुत ज़्यादा आगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा है, एंड बाइक भाई फंस सकती है आगे। अब यहाँ से हम भाई फिर से वापस जा रहे हैं, और अभी तो भाई इसलिए आराम से भाई ले गया है। वो भाई देख रहे हो फिर से भाई कितनी यार डूब गई बाइक नीचे, और भाई मैं यहाँ से लेके जाऊँगा क्योंकि मैंने शूज़ पहने हुए हैं। चलो भाई चलो। सो गाइस ओ भाई बहुत ज़्यादा स्लिपरी है यार, ओ भाई तो सुबह यार मेरी बाइक बार बार बंद हो गई, तभी मैं ऊपर से लेके जा रहा हूँ, और भाई ऊपर से भी काफ़ी ज़्यादा स्लिप है यार, और यहाँ पे भी भाई बहुत ज़्यादा पानी है। ओ भाई इजीली आ गई यहाँ से, तो यहाँ पे खड़ी करते हैं आगे, जैसे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है यार। ओह सुबह इस लोकेशन चेक करो यार, कितना मस्त व्यू आ रहा है, अभी धूप भी नहीं है और शाम का टाइम हो रहा है भाई, और यहाँ पे भाई ट्रायल वगैरह भी होते हैं, और भाई कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एंड अभी हम भाई वापस जा रहे हैं ऊपर वाली साइड, और लैंडस्लाइड देख रहे हो भाई ऊपर वाली साइड खतरनाक। बाकी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे, और उसके बाद चलेंगे वापस घर। और भाई सामने की पहाड़ियाँ देख रहे हो क्या बढ़िया लग रही है यार, बारिश के बाद जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है, मतलब ओ भाई नीचे घर। और भाई जब ठीक ठाक बारिश होती है, और भाई ये पूरी की पूरी खड्ड फुल होती है, अभी तो भाई थोड़ा बहुत पानी है, ये वन तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर,
जब ठीक ठाक बारिश होगी, अभी तो भाई स्टार्टिंग है बारिश की, जब वो भाई यहाँ से तो रास्ता भी है यार नीचे, अभी हम यहाँ पे थे भाई नीचे, भाई आगे तक रास्ता है, मतलब आगे से भी है रास्ता, हम यहाँ से भाई निकल गए थे, हमें आगे वाला रास्ता पता नहीं था, क्योंकि आगे वाला रास्ता जो है सही है, वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है नहीं इतनी, यहाँ पे थी एक और आगे थी, तो हम यहीं से वापस आ गए भाई। सो गाइस ये फ्रेम चेक करो यार, क्या बढ़िया लग रही है, और भाई आरएस देखो भाई, और भाई आरएस ज़्यादा अच्छी लग रही है यार, कुछ भी बोलो कसम से, और भाई क्या ही फ्रेम आ रहा है पीछे, और भाई ये सचिन यहाँ पे रील शूट कर रहे हैं, और भाई मौसम चेक करो यार एक बार, और यहाँ पे सारे बंदे खड़े हुए हैं ऊपर से, भाई इस साइड भी मौसम चेक करो, क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, और भाई ये फ्रेम भाई कितना बढ़िया लग रहा है, और भाई हमने जितनी भी अभी राइड की बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड भाई शाम का टाइम हो रहा है, घर से सभी को भाई कॉल आ रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं, हम भाई झूठ मूठ बोल के हम यहाँ पे नजदीक जैसे हैं, और हम भाई इतने दूर, मतलब इतने दूर ज़्यादा तो नहीं, 7-8 किलोमीटर दूर आए हुए हैं, और भाई बैक साइड से ये फ्रेम चेक करो, और भाई लाड़े बन रहे हैं, और भाई मैंने इन सभी को बोला था पहले कि हम राइड करने के लिए जाएंगे, पिछले कल भी मैंने बोला था, हम पिछले कल भी आने वाले थे, उस टाइम ये कोई भी रेडी नहीं था, कोई यहाँ था कोई वहाँ था कोई कहाँ था, और मिलते हैं आपको सीधा बाइक के ऊपर। सो गाइस भाई अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, और भाई बंदों के रिएक्शन, और एक तो भाई रोड कच्चा है यार, बताने का भी इतना मज़ा नहीं आ रहा भाई, बच्चों के रिएक्शन चेक करना यार, देख रहे बच्चे कैसे देख रहे हैं, अभी हम फिर से भाई यहाँ से जो है शॉर्टकट लेंगे, जिस रास्ते से हम अभी आए हुए थे उसी रास्ते से अभी हम जाएंगे, देख रहे भाई, वो ओ भाई ब्लड मून किधर भाई किधर, जल्दी आ जल्दी भाई, ऐसे जैसे रास्तों में भाई साउंड क्या गूंजती है यार बाइकों की, ओ भाई इवनिंग राइड भले ही 1 घंटा करो और 4-5 बंदे हो तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार। ओ भाई अभी हम रास्ते से जा रहे हैं, ओ ओ ओ, ओ भाई देख रहे हो क्या रोड भाई पूरा जगमगा जाता है भाई यार, हमारी साइड जो भाई रोड इतने अच्छे नहीं है, हमारी साइड भाई रोड इतने अच्छे नहीं है, तो बंदे भी इतनी राइड वगैरह नहीं करते, बाकी भाई जो करते हैं राइड वो तो करते ही हैं। ओ ओ बोलना पड़ेगा भाई इनको रुकने के लिए, मनु अरे यार मेरी बाइक बंद होगी यार, शिट इसमें पता नहीं क्या ही दिक्कत है, अभी वो तीनों निकल गए हैं आगे, और भाई ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है यार, क्या ही दिक्कत है यार भाई, होगी 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 स्टार्ट, बैठ 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 जल्दी बैठ, आई थिंक यार कचरा फंसा हुआ है यार बहुत ज़्यादा इसमें भाई, ओ भाई इसकी बाइक से भाई पानी आ रहा है पीछे को, ओ गाड़ी वालों आराम से भाई, सिंगल रोड है। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सजाओ, ओ भाई सिंगल रोड का तो यही मसला रहता है यार, यहाँ पे पास होने के लिए भाई जगह ही नहीं मिलती है इतनी भाई, ज़्यादा क्लोज भी नहीं चलना चाहिए, ओ भाई देख रहे हो अंशु भाई कैसे पाँव लगा रहा है यार, एक्चुअली 3-4 दिन पहले भाई गिरा हुआ है बाइक से, और इसने अपनी बाइक के मिरर वगैरह तोड़ दिए हैं, तब इसको डर जैसा लगा हुआ है, और भाई कितने क्लोज क्लोज चल रहे हैं यार, हम ब्रेक भी नहीं मार सकते, हम तो भाई बरसात आ गई, ओ भाई LP नहीं है, सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाई अपनी लोकेशन पे जहां से वीडियो स्टार्ट किए थे, और भाई अभी थोड़ा बहुत अंधेरा होने लग गया है, एंड भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको किसी और दिन किसी और नई धमाकेदार वीडियो में, टेक केयर एंड